नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के 2020 के 10 सबसे अमीर आदमियों के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है, लेकिन लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। अगर आप न्यूज फोटो या फिर अखबार पढ़ते हैं तो आपने कभी ना कभी इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। अखबारों में भी अक्सर इनकी फोटो देखने को मिल जाती है। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर इन आदमियों की लिस्ट कौन तैयार करता है, तो आपको बता दे कि इस मामले में फोर्ब्स पत्रिका विश्व प्रसिद्ध है। ये पत्रिका अपने वेबसाइट में दुनिया के अमीर व्यक्ति की लिस्ट और नाम जारी करता है। इस वेबसाइट में आपको खेलों के सबसे अमीर खिलाड़ी, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति की सूची, अलग अलग देशों के अमीर लोगों की सूची और हर साल के नए नए अमीर लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। ये पत्रिका अमीर लोगों के कारोबार यानी बिजनेस पर नजर रखती है, जिसके मुनाफे और घाटे के आधार पर ये अपनी सूची तैयार करते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 10 पर है कुमार बिरला। जन्म 14 जून 1967, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। उम्र 52 साल। कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। संपत्ति $9.6 बिलियन। दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप जानी पहचानी कंपनी है। कुमार बिरला जिसके चेयरमैन हैं, ये एक बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं। कुमार मंगलम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के वाइस चांसलर भी है। आदित्य बिरला ग्रुप भारत का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। फोर्ब्स के मुताबिक कुमार बिरला की संपत्ति $9.6 बिलियन है। नंबर 9 पर है लक्ष्मी मित्तल। जन्म 15 जून 1950, सदुलपुर, राजस्थान। उम्र 52 साल। कंपनी आर्सेलर मित्तल। संपत्ति $10.5 बिलियन। दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात निर्माण कंपनी आर्सेलर मित्तल के अध्यक्ष और सीईओ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आर्सेलर मित्तल कंपनी के 38% मालिक भी है। इसके अलावा ये क्वींस पार्क रेंजर के शेयर होल्डर भी है। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति $10.5 बिलियन है। नंबर 8 पर है गोदरेज फैमिली। फाउंडर अद्रेसिर गोदरेज और पिरोत्सा बुर जॉर्जी गोदरेज 1897। कंपनी गोदरेज। संपत्ति $12 बिलियन। दोस्तों, गोदरेज भारत की जानी मानी कंपनी है, जिसके मालिक और अध्यक्ष आदि गोदरेज है। इनकी कंपनी काफी पुरानी है। लगभग 120 साल पहले इनके परिजन अद्रेसिर गोदरेज और पिरोसा गोदरेज ने इनकी कंपनी गोदरेज की स्थापना की थी। इस कंपनी के हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है और फोर्ब्स के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति $12 बिलियन है। नंबर 7 पर है राधा किशन दमानी। जन्म 1 जनवरी 1956, बीकानेर, राजस्थान। उम्र 66 साल। कंपनी डी मार्ट। संपत्ति $14.3 बिलियन। दोस्तों, अनुभवी मुंबई के निवेशक राधा किशन दमानी मार्च 2017 में अपनी सुपरमार्केट डी मार्ट के आईपीओ के बाद भारत के खुदरा राजा बन गए। दमानी 2002 में मुंबई के स्टोर से रिटेलिंग में शामिल हुए थे और तब से अजय हैं। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी संपत्ति $14.3 बिलियन है। नंबर 6 पर है शिव नाडार। जन्म 14 जुलाई 1945, मुलाई पोजी विलेज, तमिलनाडु। उम्र 74 साल। कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज। संपत्ति $14.4 बिलियन। दोस्तों, शिव नाडार एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक है। वर्तमान में शिव नाडार एचसीएल उनके नाम पर बने फाउंडेशन के चेयरमैन है। शिव नाडार को उनके अथक प्रयास और सफलता के लिए 2008 में पद्म भूषण का सम्मान भी मिल चुका है। शिव नाडार को उनके निकनेम मेगस से भी जाना जाता है। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी संपत्ति $14.4 बिलियन है। नंबर 5 पर है उदय कोटक। जन्म 15 मार्च 1959। उम्र 61 साल। कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक। संपत्ति $14.8 बिलियन। दोस्तों,
उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन हैं। 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में जब भारत अभी भी एक बंद अर्थव्यवस्था था और आर्थिक विकास के शुरुआती स्तरों में था, तब उदय कोटक ने खुद को शुरू करने का फैसला किया। अगले कुछ सालों में उन्होंने अपने व्यवसाय को वित्तीय सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दी। बिलों की छूट, स्टॉक ब्रोकिंग, निवेश बैंकिंग, कार वित्त, जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड के एक प्रमुख के रूप में स्थापित किया। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी संपत्ति 14.8 बिलियन डॉलर्स है। नंबर चार पे है पलोनजी मिस्त्री। जन्म 1929, उम्र 91 साल। कंपनी सापोजी पलोनजी ग्रुप। संपत्ति 15 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, पलोनजी मिस्त्री सापोजी पलोनजी ग्रुप के चेयरमैन है। इसके साथ एक बिजनेसमैन भी है। इस कंपनी को बने 150 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। आयरलैंड में ये सबसे धनी व्यक्ति है, जबकि भारत में ये पांचवें स्थान पर आते हैं। साल 2017 में ये पांचवें स्थान पर काबिज थे। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति 15 बिलियन डॉलर्स है। नंबर तीन पर है हिंदुजा ब्रदर्स। चेयरमैन एसपी हिंदुजा। को चेयरमैन गोपीचंद हिंदुजा। कंपनी हिंदुजा ग्रुप। संपत्ति 15.6 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, कुछ साल पहले हिंदुजा फैमिली टॉप 10 पर भी नहीं आती थी, लेकिन इस साल ये नंबर 3 पर आ गए हैं। हिंदुजा एक समूह है जिसके मालिक श्रीचंद हिंदुजा और उनके भाई गोपीचंद हिंदुजा हैं। इनकी कंपनी की स्थापना साल 1914 में परमानंद दीपचंद हिंदुजा के द्वारा मुंबई में की गई थी। फोर्ब्स के मुताबिक वर्तमान में हिंदुजा फैमिली की कुल संपत्ति 15.6 बिलियन डॉलर्स है। नंबर दो पर है गौतम अडानी। जन्म 24 जून 1962, गुजरात। उम्र 57 साल। कंपनी अडानी ग्रुप। संपत्ति 15.7 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, अडानी ग्रुप भारत का जाना माना बिजनेस समूह है। इसके अध्यक्ष गौतम अडानी है। अडानी समूह कोयला व्यापार एवं खनन, तेल और गैस की खोज, बिजली उत्पादन, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और गैस वितरण आदि का कार्य करता है। इस समूह विश्व स्तरीय है, मतलब इसका कारोबार देश के बाहर विदेश में भी फैला हुआ है। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी टोटल संपत्ति 15.7 बिलियन डॉलर्स है। नंबर एक पर है मुकेश अंबानी। जन्म 19 अप्रैल 1957, उम्र 62 साल। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। संपत्ति 51.4 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी को पूरा देश जानता है, क्योंकि ये देश के सबसे धनी आदमी है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। हाल ही में उन्होंने जियो लॉन्च किया है, जिसने भारतीय इंटरनेट की तस्वीर बदल कर रख दी है। पहले लोग इंटरनेट चलाने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन जियो ने इंटरनेट के दाम को बहुत घटा दिया है, जिसकी वजह से ज्यादातर भारतीय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इस जियो से मुकेश अंबानी को काफी फायदा हुआ है और उनकी संपत्ति बढ़कर 51.4 बिलियन डॉलर्स हो गई है। तो दोस्तों, अब आप भारत के 10 सबसे अमीर आदमी 2020 के बारे में जान गए होंगे। क्योंकि अमीर व्यक्ति की ये लिस्ट उनके कारोबार में हो रहे फायदे और घाटे को जानने के बाद बनाई जाती है, इसलिए सूची में परिवर्तन होता रहता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।